गणपति बप्पा मोरया। हेलो गाइज, आपका स्वागत है सालू डॉट लखनऊ के चैनल पे। गाइज, आज हम लोग घूमने आए हैं हनुमान धाम। ये हनुमान सेतु से थोड़ा आगे है हनुमान धाम, और ये बहुत पुराना, कहा जाता है कि हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी की 1 लाख से ज़्यादा मूर्ति हैं, और यहाँ पे आपको हर एक देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे। और चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का दर्शन कराती हूँ। ये बजरंग बली हैं, और ये राम दरबार है यहाँ पे, और ये शंकर भगवान की फैमिली। और कहते हैं यहाँ पे जो पुरानी वाली मूर्ति है वो इसी मूर्ति के नीचे है, जो अभी यहाँ पे नया बन गया है। और यहाँ पे शिवलिंग है, और बजरंग बली का जो बाल रूप, ये उनकी छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे भी आपको शंकर जी की पूरी फैमिली मिलेगी, और यहाँ पे शिवलिंग है। बहुत अच्छा ये जगह है, आप लोग जाएंगे घूमने अगर लखनऊ से हैं तो भी जाइए, दर्शन कीजिए। और अगर बाहर से कहीं से आप लोग आ रहे हैं लखनऊ घूमने के लिए तो भी ये बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आप लोग घूमने जाना चाहते हो तो यहाँ भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए, ये शिवलिंग। और आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर दुर्गा माता है, और ये शंकर जी की बहुत बड़ी शिवलिंग है और दुर्गा माता है। और यहाँ पे आपको मतलब हर एक रूप में आपको बजरंगबली दिखेंगे आपको। और यहाँ पे जो देख रहे हैं दोनों साइड दीवार में बजरंगबली के हर एक रूप का यहाँ पे उनकी मूर्ति है। तो इन्हीं सब मूर्तियों को जोड़ के यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे बजरंगबली की जो मूर्ति है यहाँ पे। और ये हम लोग अब चल रहे हैं नीचे, और ये गोमती नदी से लगी हुई है। आप लोग को तो पता ही है गोमती नदी पूरे लखनऊ के मतलब चारों तरफ से है, तो ये गोमती नदी के किनारे पे ही है हनुमान सेतु। और ये देखिए यहाँ का मंदिर के पीछे का जो व्यूज़ है कितना अच्छा है। हनुमान धाम इस मंदिर का नाम है, और ये जो पुरानी मंदिर है यहीं पे सबसे पुरानी वाली मंदिर यही है। और ये देखिए यहाँ पे व्यूज़ कितने अच्छे हैं। ये बच्चों ने वोटिंग कर रहे थे तो वो पीछे से उसका व्यूज़ लिया है मंदिर का, पीछे से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ शाम के टाइम अगर आप लोग घूमने आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे लाइटिंग खूब अच्छे से जलता है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये मेट्रो का है लाइन, जो आप लोग को ओवर ब्रिज दिख रहा है ये मेट्रो ट्रेन का है। तो ये देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा पीछे से, और ये बच्चे एंजॉय करते हुए। अभी यहाँ से मेट्रो भी जाएगा, आप देखिए कितना अच्छा स्पेस है ना यहाँ पे। आप लोग आओगे रात के टाइम तो पूरा लाइट वाइट जलता है, और पानी के फवारे भी, और म्यूजिक भी चलता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आए और बजरंगबली के उसमें मंदिर में बैठे हैं, सुकून मिलेगा। बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छा जगह है। और देखिए ये मेट्रो जा रहा है, दोनों साइड से मेट्रो आ रही है, मेट्रो से भी आप लोग घूम सकते हैं। और यहाँ पे राधे कृष्ण का मंदिर, कृष्ण भगवान का है, राधे कृष्ण का। बाय, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय।